दीवाने आम से बिल्कुल लगी हुई एक ऐसी इमारत मैं आपको अब दिखा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या यूँ कहिए कि उस इमारत को वो देखने नहीं पहुँच पाते हैं। ये इमारत है राजा रतन सिंह की हवेली। आगरा का यह ऐतिहासिक किला एक नहीं बल्कि कई शासकों के अधीन रहा है। मुगलों से इस किले को जाटों ने जीत लिया। 12 जून सन 1761 को भरतपुर के प्रतापी शासक महाराजा सूरजमल ने इस किले को जीत लिया तथा सन 1774 तक यह किला लगातार जाट शासकों के नियंत्रण में रहा। ऐसा उल्लेख है कि जाट शासकों के कई भवन और हवेलियां इस किले में आज भी मौजूद हैं। राजा रतन सिंह की हवेली इन्हीं निर्माणों में से एक है। भरतपुर के जाट शासक राजा रतन सिंह ने सन 1768 से सन 1769 तक इस किले पर शासन किया। बाद में सन 1785 से 1803 तक यह किला मराठों के अधीन रहा तथा सन 1803 में अंग्रेजों ने आगरे के इस ऐतिहासिक किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।